जलंधर में आ जलंधर पोटैटो ग्रोवर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रेस वार्ता में कहा कि उन्हें पिछले 2 सालों से उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, जिसके कारण उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और किसानों को कर्जे जल्दी ही माफ करने चाहिए या इस बाबत कोई ठोस नीति बनानी चाहिए, क्योंकि बैंक अधिकारियों द्वारा उन्हें कर्ज वापसी के लिए तंग किया जा रहा है और सरकार को इस बाबत कोई ठोस एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तान को आलू भेजने की आज्ञा देनी चाहिए और देश के ही साउथ के राज्यों में उन्हें आलू भेजने के लिए रेल में स्पेशल रैक आसानी से मिलने चाहिए। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार द्वारा कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामान पर भी GST लगाया गया है, जो कि गलत है और कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाले किसी भी सामान को GST से बाहर रखना चाहिए। एसोसिएशन के सेक्रेटरी जगजीत सिंह ने कहा कि इन सभी मांगों को लेकर 15 जून से धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। ब्यूरो फिर अचानक अज सानू बड़े भारी मन दे नाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पई है कि सरकारां जिमीदार दे खासकर दुआबे दे आलू दे किसानां बारे हमदर्दी दा नजरिया नहीं रख रही, बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया साडी आलूआं दी खेती नूं, जदकि आलूआं दी खेती च बहुत सरमाया लगता है, तकरीबन 60,000 रुपया पर एकड़ का खर्चा हुंदा आ, 6 रुपए किलो आलू का उत्पादन खर्चा आया पर एक किलो का, तो तकरीबन इस वेले 2.5 रुपए किलो वध तो वध रेट किसान दा आलू मंडियां च विक रहा। सो सानू 35,000 रुपए प्रति एकड़ का किसान नू आलू वाले नू घाटा आया इस सीजन च। पिछले सीजन च भी डीमोनीटाइजेशन करके नवंबर दसंबर महीने जो असी बीज बेचने से बाहरले सूबे नू बंगाल नू गुजरात नू वो भी असी बेच नहीं पाए, उदों भी घाटा पिया, हुण दोहरी मार सानू फेर पै गई आ। तो इस करके असी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस साडी यही मंगा है कि साडी जिहड़ी मार्केटिंग च सरकार हमदर्दी नाल सोचे कि पाकिस्तान ते जिहड़ी एक्सपोर्ट नू आलू नू रिस्ट्रिक्शन लगी आ वो हटावे, ता कि बहुत साडे नेड़े आ 100 किलोमीटर ते साडे कोल मार्केट हैगी आ, उत्थे आलू जा सके, कुछ रेट च सुधार होएगा। इदां ही साउथ इंडिया दीआं स्टेट्स जिहड़ियां आ आंध्र प्रदेश करनाटका तमिलनाडु ते केरल, ये 4 महीने मई तो लैके सितंबर तक आलू डेफिशिएंट स्टेट्स रहिंदियां आ, उत्थे आलू की जरूरत हुंदी आ, आगरे तो गुजरात तो आलू जाके उत्थे उहदी पूर्ति करदा आ, लेकिन पंजाब दूर होण करके सानू ट्रक फ्रेट बहुत महंगा पैंदा आ ते साढ़े उत्थे वायबल नहीं हैगा आलू जाना, इस करके सरकार को मंग आ रेलवे मिनिस्ट्री तो यूनियन गवर्नमेंट तो कि सानू स्पैशल प्रायोरिटी रेल रैक दिते जाण, जिन्हां नाल कि 2-3 दिन विच आलू खराब होण तो बगैर चेन्नई दियां कोंबेतूर होर बैंगलोर दी मार्केट्स होर आलू पहुँच सके, ते तां कि साढ़े आलू दा रेट थोड़ा उच्चा होवे ते आलू दी निकासी हो सके। जो इस वेले हालात ने कि लगदा कि आलू स्टोरां चों खाली नहीं होना, आलू स्टोरां च ही रह जाणा। सो उत्थे मंगा ना मंगनियां गईयां, फिर असीं 15 तरीक तां ही सरकार को मंग करदे हां कि साढ़े जो मसले हैगे आ उहनां दा हल कीता जावे, नहीं तो फिर असीं कुछ संघर्ष करांगे, कोई प्रोटेस्ट करांगे, टोकन प्रोटेस्ट करांगे, पीसफुल करांगे, कोई सड़कां नहीं जाम करांगे, लेकिन प्रोटेस्ट करांगे।